नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब्स एंड एजुकेशन के एक और नए वीडियो में मैं हेमंत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुकमा, बिलासपुर और जांजगीर चांपा के द्वारा निकला हुआ वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जहां पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सुकमा में कितने पद निकला हुआ है, बिलासपुर में और उसके बाद जांजगीर चांपा में कितने पद निकला हुआ है, इसके लिए क्या क्या शैक्षिक योग्यता होना है, इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को देखने मिलेगा महिला एवं बाल विकास विभाग जिला सुकमा की तरफ से यहाँ पर वॉक-इन इंटरव्यू के द्वारा आप लोगों का विज्ञापन जारी हुआ है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं 21/9/2022 का ये नोटिफिकेशन है, जहाँ पर आप लोग जो है इस प्रकार से देख सकते हैं, जो आप जो है जितने भी आवेदक जो है इच्छुक हैं 6/10/2022 को जो कार्यालयीन समय होता है 10:30 बजे से लेकर के आप जो है कक्ष क्रमांक 46 महिला एवं बाल विकास विभाग कलेक्टर परिसर कुम्हार रास जिला सुकमा में स्वयं उपस्थित होकर पंजीयन कराते हुए आपको आवेदन पत्र जो है प्रस्तुत करना है। इसके लिए जो है जो पद है वो फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए एक पद आया हुआ है, जहाँ पर आपको प्रति माह जो है आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। निर्धारित आयु जो है 18 वर्ष से 35 वर्ष है और इसी तरीके से आपका फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए भी एक पद है, जहां पर आप लोगों को 10,000 रुपया प्रदाय किया जाएगा। इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशन है आप लोग यहां पर देख लीजिए कि फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए BSc होम साइंस होना जरूरी है। अगर आपने BSc होम साइंस में किया है तो ये आपके लिए अच्छा सुनहरा मौका है। आप लोग कुम्हार राज जिला सुकमा का कार्यालय में पहुंच जाए और वहां पर आप अपना आवेदन जानकारी जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप www.sukma.gov.in पर भी आप देख सकते हैं। समय याद रखिएगा 10:30 बजे से दिनांक 6/10/2022 को जो है महिला एवं बाल विकास विभाग में आपको उपस्थित होना है सुकमा में। इस तरीके से आपका निकल करके सामने आया हुआ है। उपरोक्त जितने भी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं नियम एवं शर्त, इसको आप लोग भली भांति पढ़ लेंगे, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाएंगे। फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए जो चयन प्रक्रिया है कुछ इस प्रकार से होने वाला है। मैं PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाएं और वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इससे पहले कि आप लोग जो है इसको पहले सुन लीजिए, उसके बाद ही आप डाउनलोड करेंगे। देख लीजिए, सबसे पहले आपको आवेदन पत्र जमा करने का जो समय है निर्धारित तिथि में आप 10:30 बजे से 12:30 बजे तक का करना है। उसके बाद परीक्षण होगा 12:30 बजे से आपका 1:30 बजे तक का होगा। उसके बाद पात्र को सूची 2:00 बजे तक और 2:30 बजे आपका दावा आपत्ति के संबंध में होगा। दावा आपत्ति का निराकरण 3:00 बजे होगा। उसके बाद मेरिट सूची का जो प्रकाशन है 3:30 बजे होगा। उसके बाद चयन समिति के निर्णय के अनुसार आप लोगों का जो साक्षात्कार का समय है वो होगा। उसके बाद आप लोगों को जो है नियुक्ति आदेश जो है प्रदाय किया जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कार्यालय संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला बिलासपुर सहायक शल्य के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु ये विज्ञापन है। इसके बारे में पहले भी और बता चुका हूं, लेकिन ये मुझे अच्छा लगा, इसीलिए 15/7/2022 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो मैं सोचा कि इसको एक बार आप लोगों को फिर से मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो है 2 पद निकल करके सामने आया हुआ है। इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, इसके जो पहले वाला वीडियो है मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, या वीडियो के आखिरी में दे दूंगा वहां पर आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इसका PDF का जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ लाइवलीहुड कॉलेज के तरफ से आप लोगों को बिलासपुर का ये नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है 21/9/2022 को, यहाँ पर काउंसलर के पद पर है, यहाँ से आप लोग एक पद को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद निर्धारित जो मानदेय है वो इस प्रकार से कुछ होने वाला है, अधिकतम 750 रुपया प्रति काउंसलिंग दिवस के दिन आपको भुगतान किया जाएगा। इसके लिए जो है आवश्यक शैक्षिक अर्हता जो है योग्यता जो है न्यूनतम योग्यता किसी भी विषय संकाय में स्नातक की उपाधि होना चाहिए और साथ में आपका MA मनोविज्ञान समाजशास्त्र मास्टर ऑफ सोशल वर्क MBA उपाधि धारक को यहां पर वरीयता प्रदान किया जाएगा। आवश्यक नियम एवं शर्तें जो है आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा। इसके लिए लेकिन आपको 10/10/2022 तक स्पीड पोस्ट या तो फिर आप रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आपको भेजना होगा।
ठीक है। लेकिन भेजना कहाँ है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ लिखा है कार्यालय जिला कौशल विकास प्राधिकरण जिला पंचायत भवन बिलासपुर छत्तीसगढ़ को आपको 10/10/2022 को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा। इस प्रकार से दोस्तों नियम एवं शर्तें आप लोग देख लीजिए, काउंसलर की जो चयन प्रक्रिया हो वो किस प्रकार से होने वाला है तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है अगर आपके पास ये योग्यता है तो। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर कार्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अर्थात ITI में आपका जांजगीर जिला जांजगीर चांपा पता जो है कुलीपोटा मेन रोड जांजगीर में 22/9/2022 को इसका जो मेहमान प्रवक्ता भर्ती हेतु प्रेस विज्ञप्ति जो है प्रकाशित हुआ है ये जो है आपका 22/9/2022 को हुआ है। आपका जो है आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ से इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि नोडल संस्था के द्वारा यहाँ पर मेहमान प्रवक्ता के रूप में आपको शेष रिक्त पद है उस पर लिया जाना है। तो इसके लिए गेस्ट लेक्चरर के लिए आपको 10/10/2022 को समय 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होना है, या तो फिर आप स्वयं उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो पंजीकृत डाक है या स्पीच पोस्ट के माध्यम से आप जो है इसको शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जांजगीर कुलीपोटा में आपको जमा करना होगा, इस पते पर आपको भेजना होगा अगर स्वयं उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो। इस प्रकार से जो निर्धारित मापदंड है आप देख लीजिए, यहाँ पर जो है शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जांजगीर के लिए जहाँ पर 2 संस्था आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर बमनीडीह है और बलौदा महुदा इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए है, वेल्डर के लिए भी 1 पद देखने को मिलेगा, टर्नर के लिए 1 पद है, मैकेनिकल डीजल के लिए 1 पद, इंग्लिश लैंग्वेज एवं कम्युनिकेशन स्किल के लिए 1 पद है। इस प्रकार से आप जो है देखेंगे तो 5 पद जो है आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसको भरने से पहले आपके पास शैक्षिक योग्यता भी होना जरूरी है, आपके पास हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और जितना संबंधित जो ट्रेड है उसका जो प्रमाण पत्र है आपके पास होना चाहिए और हल्के मोटर यान LMV अर्थात आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वैध स्थायी लाइसेंस अनिवार्य है। इस प्रकार से आपका जो है होना चाहिए। अगर वेल्डर के लिए भरते हैं तो वेल्डर के लिए भी आपको इसी तरीके से हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण होना है और जिससे जैसे वेल्डर से संबंधित कह रहे हैं तो यहाँ से वेल्डर से संबंधित आपके पास प्रमाण पत्र होना जो है आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप भरते हैं तो। इस प्रकार से कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग के लिए तो आप जो है 10वीं पुराने पद्धति 11वीं और आपके पास कंप्यूटर की डिग्री हो तो ये बहुत अच्छा आपके काम आने वाला है। इस प्रकार से टर्नर के लिए सभी के लिए अलग अलग बताया गया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग देख लीजिए और बहुत ही इत्मीनान के साथ पढ़ लीजिए। आवेदन पत्र का प्रारूप जो है यहाँ पर आप लोग जो है देखने को मिलेगा तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ये रहा आपका आवेदन पत्र का प्रारूप जो है आप यहीं से भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वैकेंसी आया हुआ है आज हमने सुकमा बिलासपुर और आपका जांजगीर चांपा इतने के बारे में हमने बताया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, कहीं पर भी आपको समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और किसी अच्छे कंटेंट के साथ फिर से मिलेंगे, जब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय।